सपनों के परी इतना तो बता रहती है कहाँ। नमस्ते भारत, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज के हॉल के लिए ना मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद एक साड़ी हॉल कर रही हूँ, और वो भी होने वाला है एक अमेजोन साड़ी हॉल, जिसमें मैंने कोई ऐसी उसी साड़ियाँ पिक नहीं करी है। काफी प्रीमियम लुक वाली, सेलिब्रिटी लुक वाली, काफी स्टाइलिश पार्टी वेयर साड़ी और यू कैन से वेडिंग वेयर साड़ीज पिक करी हैं, जिन्हें हम स्टाइल करेंगे काफी मॉडर्न तरीके से विद ब्यूटीफुल ज्वेलरीज। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी इधर उधर की बातें। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट साड़ी, विच इज फ्रॉम दी ब्रांड जेनरिक। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वाले हॉल में आपको काफी ज्यादा सेलिब्रिटी लुक वाली साड़ी देखने के लिए मिल जाएंगी, तो यस ये उनमें से एक है। कुछ टाइम पहले हिना खान को आपने ये साड़ी वेयर करते हुए देखा होगा, एंड अप्रॉक्स 3-4 दिन पहले हिमांशी खुराना ने एग्जैक्टली सेम कलर, सेम यही पैटर्न की साड़ी वेयर करी थी, जो है ये गोल्डन कलर की साड़ी। काफी क्लासी, इसका बहुत ही ज्यादा डार्क गोल्डन कलर है इसका, जिसमें रेड कलर का बॉर्डर आता है, बहुत ही थिन सा, इसमें मरून कलर का रेड कलर का बॉर्डर, जो काफी ज्यादा क्लासी इसको बनाता है। एंड मटेरियल होगा इस साड़ी का टिश्यू मटेरियल, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। एंड आप देख सकते हैं कितना तो ज्यादा शाइनी सा इसका मटेरियल, जो टिश्यू का होता है वैसा ही इसका सेम मटेरियल है। आप दूर से भी चल के आ रहे होंगे तो ये दिख जाएगा, एंड देखने में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा क्लासी लग रही है ये वाली साड़ी। टच करने में काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड एक्सट्रीमली लाइट वेट। जब मेरे को ये रिसीव हुई थी तो इतने छोटे से पैकेट में हुई थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये साड़ी होगी, मुझे लगा कोई ब्लाउज रिसीव हुआ है मुझे, बट ये साड़ी थी। एंड पहनने में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेंथ है इसकी, अप्रॉक्स 6 मीटर तक इसकी लेंथ जाती है। वो बताती हूँ कैसे, क्योंकि जो इसके साथ ब्लाउज आया था ना, वो कोई अलग से इन्होंने कट करके नहीं दिया था ना कुछ अलग पैटर्न में, जैसे ही साड़ी ना प्रॉपर नीचे तक सेम वही जाता है। तो मैंने इसके साड़ी के साथ सेम ब्लाउज के साथ ही साड़ी को वेयर करा था, इतनी प्लेट्स बनी थी, अप्रॉक्स आप मान के चलो उसमें 10 प्लेट्स बन गई थी, इतनी ज्यादा हैवी प्लेट्स बन गई थी इस साड़ी में। बट कंफर्टेबल प्रॉपर उतनी ही थी जितनी आप 3-4 या 5-6 प्लेट्स में होती है, उतनी ज्यादा कंफर्टेबल थी ये। एंड पहनने के बाद ना आपको देख के ऐसा लगेगा कि हाँ यार, कुछ तो इतना क्लासिक आपने वेयर करा हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा लुक आता है, प्लस इसका कलर ही इतना प्यारा है। सो अब आती है स्टाइल की बात। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साड़ी का ब्लाउज था, मैंने उसको साड़ी के साथ ही वेयर कर लिया था, बट मैंने इसको पेयर अप करा था दिस मरून कलर का वेलवेट ब्लाउज के बॉर्डर के साथ, मैंने इसको मैच करा था, एंड इसमें खुद ही इन्होंने गोल्डन कलर का बॉर्डर भी देखा, तो साड़ी काफी ज्यादा अच्छे से मैच हो गई थी इसके साथ। सो ये भी मैंने मीशो से या अमेजोन, दोनों में से कहीं से भी लिया था, मैं आपको लिंक दे दूंगी जहां से भी लिया था। तो ये वेलवेट कलर का ब्लाउज है, उसमें मेरा साइज था 36, स्लीव्स उसकी हाफ स्लीव्स है, एंड बॉर्डर स्लीव्स पे भी इन्होंने सेम वही लगा रखी, लेस जो उसकी नेक पर लगा रखी थी, वी नेक आता है ज्यादा डीप नहीं, जितना ब्लाउज का होना चाहिए ना, कि बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं होना चाहिए ब्लाउज का, वरना बहुत गंदा लगता है। तो काफी अच्छा था, एंड ना काफी यहाँ से ऐसा चौड़ा था, एंड अगर आप ब्लाउज की बैक देखेंगे ना तो आपको अलग ही लेवल का प्यार हो जाएगा उससे, क्योंकि काफी डीप बैक आती है, जैसा हम आजकल सिलवाने के लिए देते हैं ना कि भैया डीप कर दो डीप कर दो, पता नहीं वो क्या बना देते हैं, बट ये काफी सही डीप है, एंड लास्ट में उन्होंने डोरी भी लगा रखी है। तो अगर आप ऐसा ब्लाउज सिलवाओगे ना तो ये अप्रॉक्स 700-800 का पड़ेगा, क्योंकि पैडेड है, 1200 तक का भी पड़ सकता है, बट ये मुझे आई थिंक 300-400 में मिल गया था मीशो से। तो इसका लिंक भी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात की ज्वेलरी की चांस, तो ज्वेलरी इसके साथ मैंने ज्यादा हैवी नहीं रखी थी, क्योंकि साड़ी जो थी वो नॉर्मल थी, एंड ब्लाउज थोड़ा सा हैवी लुक दे रहा था उसको, तो इसलिए मैंने ज्वेलरी में पहने थे ये झुमके नहीं, ये इयर रिंग्स, जो काफी ट्रेडिशनल, काफी हैवी से लग रहे हैं देखने में, बट बहुत लाइट वेट और बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस साड़ी के साथ ना काफी सही जा रही थी, क्योंकि गोल्डन कलर के थे, बीच में मरून कलर की रूबी का इसमें वर्क हो रखा था। आई थिंक 200-300 रुपए के थे, मीशो से मैंने लिए थे, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड साड़ी का प्राइस था, जब मैंने लिया था ये था 1600 से 1800 रुपीज़ के बीच में, बट अभी अमेजोन पे सेल चल रही है शायद, तो इसलिए ये हो रखा है 1380 रुपीज़ का। तो लिंक दे दूंगी साड़ी का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से आगे इसको ले लेना जब तक 1380 रुपीज़ का मिल रहा है। तो देखो जी, आपने हीना खान के एंड हिमांशी खुराना की इंस्पायर्ड साड़ी तो देख ली, अब बढ़ते हैं हम जानवी कपूर इंस्पायर्ड साड़ी की तरफ, जो होगी ब्रांड मुनीर से। एंड ये बहुत ही सुंदर, ये पर्पल लेवेंडर अनियन कलर की साड़ी है। पहले तो आप कलर देखो, कितना सुंदर, कितना ट्रेंडिंग कलर है, जो है आई थिंक बहुत लाइट से लेवेंडर या अनियन कलर जो होता है ना, वैसा कुछ कलर है इसका, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मटेरियल होगा इस साड़ी का टिश्यू सिल्क, जो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट एंड ईजी टू ड्रैप है, काफी इजी मैंने इसको ड्रैप कर लिया था, एंड लेंथ भी इसकी काफी अच्छी खासी। तो साड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल प्लेन अनियन कलर में आती है, बट इसका बॉर्डर उन्होंने काफी हैवी दे रखा है, जो जरी वाले वर्क के साथ आता है, एंड बहुत थिन भी नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सा साइज है बॉर्डर का। एंड ये है जरी वर्क विद ग्लास, जो ग्लास, एक तो ग्लास पेपर वाला वर्क होता है जो बहुत ऐसा नॉर्मल सा होता है, बट ये प्रॉपर एक ग्लास जो होता है ना, वो वाला वर्क है। आप सामने से देखोगे तो ज्यादा आपको क्लियरली दिखेगा कितना सही इस पे वर्क कर रखा है। एंड जो गोल्डन वर्क है ना, वो काफी ज्यादा क्रीम लाइट गोल्डन होता है ना, उससे कर रखा है। उसके साथ साथ इन्होंने एंड पर
ये लेस के साथ साथ एक पर्ल लगा रखा है, पर्ल वाले ही लेस लगा रखी है इन्होंने, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड अच्छा लुक देता है। टच करने में अगेन ये भी सॉफ्ट टू टच है, मैंने बहुत इजीली इसको वेयर कर लिया था। एक तो उसकी जो प्लेट्स थी ना वो बहुत इजीली बन गई थी, क्योंकि जो उसका बॉर्डर था काफी हैवी था, तो हैवी बॉर्डर जब नीचे की तरफ आता है तो प्लेट्स को स्टेबल कर देता है, तो काफी सही हो गई थी एंड काफी गर्लिश लुक में भी आ जाती, तो बहुत ही प्यारी लगी थी मेरे ऊपर तो और सबके ऊपर लगी, क्योंकि इंडियन स्किन टोन पे ऐसे कलर बहुत ही सुंदर लगते हैं। बस मुझे प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि इसके ब्लाउज के साथ, क्योंकि मेरे पास इसका ब्लाउज सिला सिलाया नहीं था और मैंने इसको मैच करने के लिए जो मेरे पास एक पहले से ही लेवेंडर कलर का ब्लाउज था, कुछ इसी कलर का ब्लाउज था, वो वेयर करा था, बहुत फुला फुला सा लगता है, इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने इसको वेयर करा एक ब्राउन ब्लाउज के साथ जो मैंने आगे वाली साड़ी में पहनूंगी, तो उस ब्लाउज को मैंने इसके साथ वेयर करा तो ये ठीक ठीक जा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से भी नहीं जा रहा था। बट जो इसका खुद का ब्लाउज आता है ना वो साड़ी पे चार चांद लगा देता है, क्योंकि ये आता है कुछ ऐसा, आप यहाँ पे क्लियरली देखो कितना सुंदर ब्लाउज आता है, पूरा इस पे भी स्टोन का जरी का एंड सिक्वेंस वर्क हो रखा है पूरे ब्लाउज पे, सेम उसी कलर का आता है बट गोल्डन कलर का जरी वाला वर्क है इस पे, बहुत प्यारा लगता है। तो बात ये ज्वेलरी की चांस, तो साड़ी ना काफी हैवी सी थी बॉर्डर के अकॉर्डिंग, तो इसके मैंने नेक पे तो कुछ नहीं वेयर करा था, बट इयररिंग्स पे मैंने पहने थे काफी ट्रेंडिंग मीशो के झुमके, भाई साहब देखो कितने प्यारे लग रहे हैं लेवेंडर कलर में, जो उसका ट्रेंडिंग वाला है ना वो थोड़ा रेड एंड ग्रीन कलर से ट्रेंडिंग है, बट ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें आपको काफी कलर मिल जाएंगे, मतलब आप शायद जो भी कलर ढूंढोगे वो आपको मिल जाएगा, मैंने लेवेंडर ढूंढा था मुझे मिल गया था, तो मेरे पास के जितने भी कलर अवेलेबल होंगे ना सारे के लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इसको ले लेना। ये भी आई थिंक 200-300 के थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफी हैवी लग रहे हैं बट पहनने में ही उतने ही लाइट वेट थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पर्ल विद, सुंदर है बहुत सुंदर है। एंड साड़ी की प्राइस की बात करें तो साड़ी का प्राइस था 1600 रुपीज़ में आपको इतनी प्यारी साड़ी मिल रही है, अभी जाके ले लो, जस्ट अभी ले लो, बहुत सुंदर साड़ी है। नाउ लेट्स जंप इनटू अवर थर्ड साड़ी विच इज फ्रॉम द ब्रांड ओरहांस, ओरहांस ऐसे ही कुछ नाम है इसका, जिसका मटेरियल होने वाला है ऑर्गेन्जा एंड कलर है उसका ये ऑलिव ग्रीन, डार्क सा एकदम गोल्डन कलर, ये सेम कलर आपने अभी इससे पहले टिश्यू वाली साड़ी में देखा होगा, बट वो टिश्यू था एंड ये ऑर्गेन्जा है जो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है छूने में, टच करने में बहुत ही प्यारी साड़ी है एंड लुक तो आपको पता ही है, ऐसे कलर का लुक ना इतना सुंदर आता है, तभी मैंने दो जैसे कलर ले लिए थे, क्योंकि लगती ही इतनी क्लासी एंड पार्टी वेयर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो बिल्कुल प्लेन साड़ी जैसे कि वो साड़ी है, बट जिसपे बॉर्डर पे उन्होंने वर्क कर रखा है, ये लेस लगा रखी है जिसपे सिक्वेंस का एंड जरी का वर्क हो रखा है, ऐसी पास से देखोगे तो ऐसी कुछ ये लेस दिखती है जो बहुत ही सुंदर लगती है, पूरी की पूरी साड़ी पे यही सेम लेस जा रही है, लीव्स वाले पैटर्न में ही लेस आती है। एंड सच बताऊँ जितनी भी अभी तक मैंने साड़ी दिखाई ना उसमें सबसे ज़्यादा ईजी था इसको वेयर करना, बहुत ईजी इसको मैंने वेयर कर लिया था, मतलब ऐसे 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 और वेयर हो गई थी, इतनी जल्दी ड्रैप हो गई थी, और कैरी करना तो है इसको इजी, क्योंकि ऑर्गेन्जा मटेरियल है एंड ऑर्गेन्जा में भी ना आपको दो तीन टाइप के मटेरियल मिल जाते हैं, एक तो ये जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड काफ़ी स्लिम आपको लुक देता है एक वैसा होता है, और एक बहुत ज़्यादा फुला फुला सा होता है, तो ये जो स्लिम लुक वाला होता है वैसा होता है एंड पता नहीं क्यों इसको पहनने के बाद ना थोड़ी वो जो साउथ इंडियन वाली वाइब आती है ना, साउथ इंडियन वेडिंग वाली वाइब आती है ना, वैसी लग रही थी मुझे जो ब्राइड्स पहनती है, वैसा कुछ पहनने के बाद लग रहा था, क्योंकि इसके साथ मैंने ज्वेलरी भी कुछ वैसे ही वेयर करी थी, तो ज्वेलरी आपको पहले बाद में दिखाती हूँ मैं, उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि इसका ब्लाउज, तो ब्लाउज का भी इसका पहले से ही कट होकर आया था, जो आया था ये बहुत लाइट से गोल्डन कलर में, मतलब लाइट तो नहीं है बट ठीक है इस साड़ी के अकॉर्डिंग तो काफ़ी लाइट गोल्डन है, तो मेरे पास सेम डिटो ऐसा ही कलर का ब्लाउज था जो मैं इसके साथ भी वेयर करा हुआ, स्टाइल करा हुआ है, तो सेम वही मैंने करा था, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि कैसा इसका लुक आएगा, बहुत ही प्यारी एंड क्लासी साड़ी लग रही थी ये, लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी थी, अप्रॉक्स 5.5 मीटर तक इसकी लेंथ जा रही थी। अब बात करते हैं इसको मैंने स्टाइल कैसे करा था, किन ज्वेलरीज के साथ स्टाइल करा था, तो ज्वेलरीज तो मुझे लग रहा है मैंने सारी मीशो से ही ले ली है, तो ये दिखती है कि कुछ ऐसी कुंदन वाली ज्वेलरी, कितनी प्यारी है ये, इस पर गोल्डन कलर की कुंदन का वर्क हो रखा है एंड पीछे से भी ये, मतलब आप उसको बैक करके भी पहन सकते हैं, जो ग्रीन एंड रेड कलर मरून कलर में, तो इन वाली ज्वेलरीज में शायद ऐसा ही कुछ आता है, मैंने पहले भी ऐसा कुछ वेयर करता था तो वो भी सेम ऐसा था कि आगे से कुंदन को वर्क था और बैक से ऐसा था, बट इसमें एक्स्ट्रा इन्होंने नीचे ये पर्ल वाला बहुत ही सुंदर वर्क कर रखा है, आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसा ये लुक दे रही है मुझे पहन के, मुझे तो प्रॉपर ही वही यार साउथ इंडियन की जो ब्राइड होती है ये न्यूली मैरिड होती है उनकी वाली वाइब, इयररिंग्स के साथ कुछ ऐसे ही आते कुंदन वाले, तो ये भी अप्रॉक्स 300 रुपये तक के थे, इसका भी लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साड़ी का प्राइस था 1399, आपको कलर्स में बहुत सारे मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट साड़ी ऑफ दिस हॉल, जो मुझे इस हॉल की सबसे सुंदर साड़ी लगी, जिसका ब्रांड है सिरिल, एंड जब मैंने इसको मॉडल के ऊपर देखा था ना तो मुझे लग रहा था कि ठीक है अच्छी है साड़ी, ले लेती हूँ, देखूंगी बाद में कैसी निकलेगी, ठीक है, बट जब मुझे रिसीव हुई तो अब मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगी एंड रिसीव हुई ना, तो मुझे लगा कि यार मॉडल गलत ले ली, इस मॉडल को नहीं होना चाहिए, यार उन्होंने ठीक से वेयर नहीं करवाई, एक्सपायर कोई भी रीजन हो सकता है, बट ये पहनने के बाद सुंदर लग रही थी जो है ये वाली साड़ी।
आप मॉडल को देखो कैसी सी लग रही है अब, मतलब जब मुझे रिसीव होगा इसके बाद देखो कैसी सी लग रही है, बट पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रही है। सो ये है पेस्टल ब्लू कलर की साड़ी जो होगी टिश्यू सिल्क मटेरियल में, जिसपे जरी का एम्ब्रॉयडर्ड वर्क कर रखा है। बहुत ही सुंदर कलर है, पहले तो उसका कलर ही इतना प्यारा है, एंड शाइन देखो जो टिश्यू है कितनी सुंदर, एकदम जो फाइन वाली शाइन होती है ना वैसी कुछ शाइन आ रखी है इस पे, पूरी ऊपर से लेकर साड़ी नीचे तक प्रॉपर सेम है, एंड बीच बीच में उन्होंने ये एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रखा है बीच बीच में पूरी साड़ी पर, देखो जहाँ तक साड़ी जा रही है वहाँ तक उन्होंने वर्क कर रखा है। एंड बॉर्डर को देखा जाए तो उस पर बहुत ही सुंदर सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी कर रखी है अलग अलग पैटर्न में। पहले तो जो ऊपर वाला पैटर्न आता है वो बहुत ही अच्छा जिगजैग मैनर में आता है, इस पर सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी विद सीक्वेंस का वर्क कर रखा है और बहुत फाइन कर रखा है। एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो उस पर इन्होंने ऐसे कुछ भी ऐसे जिगजैग मैनर पे इन्होंने थ्रेड वर्क कर रखा है, मतलब एम्ब्रॉयडरी कर रखी है भाई सिल्वर से, और बहुत ज़्यादा फाइन है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कोई स्पार्कल से डाल रखा है इन्होंने, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। ओवरऑल साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है, एक तो उसके बॉर्डर की वजह से और ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि बॉर्डर का नॉर्मली तो प्लेन आता है बट ये जिगजैग जिगजैग वाले से ना बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। इस मटेरियल इसका टिश्यू सिल्क है तो बहुत ईजी होता है उसको वेयर करना ड्रैप करना। एंड अगर मुझसे पूछा जाए ना कि सिल्क या टिश्यू सिल्क दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा मटेरियल होता है, तो ऑब्वियसली टिश्यू सिल्क होता है, बहुत ईजिली ड्रैप हो जाती है साड़ी एंड प्लेट्स भी बहुत ईजिली बन जाती है इसकी। अब आते हैं ब्लाउज पे, तो ब्लाउज उन्होंने दे रखा है इसके साथ डार्क ग्रीन बॉटल ग्रीन कलर का, जिसपे सिल्वर कलर से एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, एंड स्लीव्स पे भी उन्होंने जैसे साड़ी का बॉर्डर है वैसे इस पे पार्ट लगा रखा है ताकि स्लीव्स वगैरह पे ये आ जाए। बट सच बताऊँ मुझे ना अच्छा ही लगा ब्लाउज का, क्योंकि साड़ी ना पेस्टल ब्लू कलर की है एंड ब्लाउज उन्होंने डार्क ग्रीन कलर का दे दिया, पहले तो ये मैच नहीं जाता, अगर डार्क ब्लू भी देते ना तो भी शायद थोड़ा सा ठीक लगता, पर नहीं जा रहा था अच्छा। जो इसको अच्छा सुंदर बनाया था वो था ये सिल्वर कलर का ब्लाउज, एंड इसके लुक को भी बिल्कुल चेंज कर देता है, ये थोड़ा वैसी जो थोड़े बड़े लोग पहनते हैं ना उस टाइप की जो हैवी साड़ियाँ होती है गोल्डन कलर की साड़ी होती है वैसी वाइब दे रहा था, बट ये इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्लिश वाली वाइब दे रहा है। आपकी शादी हुई है ना हुई है कोई मतलब नहीं पड़ता, ये सब पे अच्छी लगेगी, आपको अपनी बहन की शादी में पहनी है सर, घर पे किसी की भी शादी है, कज़न की शादी किसी की शादी तब भी आप इसको वेयर कर सकते हैं, एंड इवन आपकी शादी हो चुकी है आप न्यूली ब्राइड है तब भी इसको पहन सकते हैं, किसी वेडिंग में जा रहे मतलब हर तरीके से आप इसको पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगने वाला है। सो मैंने इसको पेयर करा था ये ज्वेलरीज के साथ जो थी एडी ज्वेलरीज, वैसे तो ये वाली ज्वेलरी मेरी इंगेजमेंट की ज्वेलरी है बट ये सेम ज्वेलरी मुझे मिल गई थी मीशो पर, आई थिंक इसका ड्यूप था तो ये 300 रुपये की मुझे मिल गई थी मीशो पर, इसके साथ काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छी जा रही है ये, तो 300 रुपये की ज्वेलरीज तो आप ले ही सकते हैं, मीशो पे अभी तक ज्वेलरी अच्छी मिल रही थी तो ये भी शायद अच्छी मिलेगी, गारंटी नहीं दे सकती बट आप रिव्यू वगैरह देख के ले लेना, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप इजीली वहां से चेक भी कर सकते। एंड साड़ी का प्राइस था 1499 रुपीज़, इसमें आपको 6 से 7 कलर और मिल जाएंगे, बट मुझे ये कलर अच्छा लगा था, इसमें लेवेंडर कलर भी मिल जाएगा, ग्रीन कलर भी मिल जाएगा, मिंट ग्रीन कलर भी मिल जाएगा, एंड पिंक वगैरह ये सारे कलर मिल जाएंगे, तो आप इसमें से कोई सा भी कलर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है, सबके लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली वहां से ले लेना। इसी के साथ होता है हमारे इस वाले हॉल का दी एंड, जिसमें आपने काफ़ी मॉडर्न सेलिब्रिटी स्टाइल वाली साड़ीज देखी थी जिसे आप किसी भी पार्टी किसी भी वेडिंग में पहन सकते हैं, इवन करवा चौथ है उसमें वेयर कर सकते हैं, एंड ऐसा भी नहीं कि मैरिड के लिए अलग होगी नॉन मैरिड के लिए अलग होगी, कोई भी इसको वेयर कर सकते हैं, कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं कैसे भी ज्वेलरीज के साथ, ठीक है। एंड वैसे भी वेडिंग सीजन आई गया यार, आई गया क्या आ गया है, आई एम श्योर आप लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी होगी, तो अमेजोन से भी जल्दी से ले लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई सी भी साड़ी आपको पसंद आई तो वहां से ले सकते हैं। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट्स में तो जरूर बताना कि आपको फ्यूचर में कैसे हॉल देखना पसंद करोगे आप, लाइक साड़ी का कुर्ता सेट का कैसा भी हॉल होगा मुझे जरूर बताना। लास्ट टाइम मुझे किसी ने तो अमेजोन साड़ी हॉल का कहा था पार्टी वेयर साड़ी हॉल का, तो इसलिए मैं साड़ी हॉल लेकर आई थी, एंड ऐसे ही फ्यूचर में कुछ ना कुछ लेकर आती रहूंगी। बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट टाइम ना कंफ्यूजन चल रही थी बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि ना जो लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ओपन नहीं हो रहे हैं, बट मैंने देखा कि मेरे से तो ओपन हो रहे थे, एंड मैंने कुछ कुछ आईडी से और भी चेक किया तो उससे भी ओपन हो रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा ओपन हो रहे थे, बहुत कंफ्यूजन थी। तो इस बार भी अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा हो कि लिंक ओपन ना हो रहे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपको सेपरेटली सारे लिंक दे दूंगी, और साथ मैं आपको एक्स्ट्रा लिंक भी दे दूंगी, जैसे कि मेरी कोई फैमिली मेंबर ने किसी ने भी साड़ी और भी खरीदी होगी अमेजोन से और वो अच्छी निकली होगी तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ के साथ दे दिया करूंगी। सो यस, टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुद से प्यार करना, खुद का ध्यान रखना और मुझे फॉलो करना मत भूलना।